आउटस्टैंडिंग बोलिंग करी। आप पहले देखे जो जो रूट का आउट करा, जो रूट इस विकेट के ऊपर बहुत डेंजरस होता है लेकिन उसको शुरू में चलता कर दिया। उसके बाद जो ओली पोप को यॉर्कर मारी, पता नहीं वहां पे हमारी किस्मत खराब क्यों कि भोगले साहब आ जाते हैं कमेंट्री में। पहले भी जब विराट कोहली ने छक्का मारा था तो भोगले साहब कमेंट्री पे थे कि कोहली हिट्स इट डाउन द ग्राउंड, पता नहीं कोहली हिट्स इट आउट ऑफ द ग्राउंड, पता नहीं क्या कमेंट्री है। और आज भी व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉलर भाई, उसने आज तक की ग्रेटेस्ट बॉल मार दी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यॉर्कर्स, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉलर। कुछ तो एक्साइटमेंट दिखा लो, हर टाइम फर्जी कमेंट्री। खैर भोगले साहब के तो किसी और दिन निपट लेंगे, लेकिन आज 253, इंग्लैंड ट्रेलिंग बाय 143 रन, इंडिया की लीड अभी 143 है। और ये मैच तो भाई पहले मैच की तरह ही आपके बैग में है, कुछ ना कुछ करके फाइट फूट करके वैसे इंग्लैंड 253 तक पहुंच गई। वैसे लग रहा था 200 में निबट जाएंगे, बट थोड़े से रन काट गए एंड में, जो 200 की लीड लग रही थी उसको 143 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। कम से कम 50 रन आपने एक्स्ट्रा दे दिए, वैसे यहाँ पे मजाक मजाक में 50 रन एक्स्ट्रा बना गए, लेकिन फिर भी इस पिच के ऊपर जहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया एवरेज फोर्थ इनिंग टोटल इज 175, आपको ये मैच जीतना चाहिए। लेकिन इस ढीट इंग्लैंड टीम के साथ और ये ढीट कप्तान बेन स्टोक्स जो किसी भी मोमेंट हार नहीं मानते हैं और ये बिलीफ रखते हैं कि हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं, पांडे जी कितना सिक्योर फील कर रहे हैं आप कि भाई ये मैच हम जीत चुके हैं, 143 की लीड चल रही है? बहुत हद तक, मतलब अगर आप कहो तो 80% to 90% मतलब 90% आप ये टेस्ट मैच जीत चुके हो। बिकॉज कितना कर लेगा, मैं कर लो, चलो इंग्लैंड ने 200 पे ऑल आउट कर लिया आपको, आप बैटिंग में कितने रन बनाओगे? कम से कम 250 तो बनाओगे, 250 तो बनाओगे ही, 250 + 143 ऑलमोस्ट 400, ऑलमोस्ट 400, 400 का टारगेट कहां से आएगा इनके पास? 400, हालांकि इन्होंने 400 मारा हुआ है हमारे अगेंस्ट भाई, 400 मारा हुआ है सारी चीजें कहा मारे, इंग्लैंड में मारा था इंग्लैंड में, हालांकि वैसे 400 तो फर्स्ट इनिंग में भी मारा था हैदराबाद में जब उसने चेस करते हुए मार दिया था, याद है, चेस करते हुए 375 से ऊपर बना दिए थे उन्होंने। तो देखो 400 जरूर बना दिया था, बट वो इंग्लैंड की कंडीशंस थी, इंडिया में जो हमने इंग्लैंड कंडीशन और टफ है यार, यार टफ है, लेकिन यहाँ स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में बुमराह भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कुलदीप यादव ने इतना अच्छा इंप्रेस किया है आपको, अक्षर ने ठीक ठाक बॉलिंग कराई है, ऐसा तो होगा नहीं कि रविचंद्रन अश्विन का हर इनिंग खराब जाए, ये चलो एक बुरा दिन था उसका जिस तरीके से उसने बॉलिंग की नहीं हुई, उस तरीके से ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड इनिंग में अश्विन भी आपके लिए काम नहीं करेंगे। ऑलरेडी 143 रन आप आगे हो, ऐसे में बहुत खराब भी बैटिंग करी तो 150-200 रन भी अगर आप बनाते हो तो 350 का टारगेट भी इतना कुशन देगा आपके बॉलर्स के लिए कि आप 10 विकेट निकाल सकते हो। अच्छा आज आपने 6 विकेट तो बुमराह ले गए जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बुमराह केम टू द पार्टी, 3 विकेट जो कुलदीप ने लिए वो भी बड़ी उम्दा रही, और 1 विकेट अक्षर ने लिए। आज रविचंद्रन अश्विन का दिन नहीं था, वो पिटे ही हैं, उनको कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन अक्षर और कुलदीप का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को अगर आप देखेंगे 17 ओवर में 71 रन और 3 विकेट्स, बड़ी क्रूशल 3 विकेट्स। वहीं जसप्रीत बुमराह को देखेंगे 15.5 ओवर्स, मेडन करें 5, 45 रन दिए सिर्फ और 6 विकेट्स लिए, 2.8 की इकॉनमी, और क्या चाहिए यार। रविचंद्रन अश्विन 12 ओवर 61 रन, कोई विकेट नहीं, 5.1 की इकॉनमी, वाओ। अक्षर पटेल ने 4 ओवर करे लेकिन अच्छी बात यह कि विकेट ले गए। और मुकेश कुमार आज थोड़ा ताथाया हो गया उनका, 7 ओवर में 44 रन, 6.3 की इकॉनमी, लेकिन चलो रन तो इतने बना ही नहीं पाए इंग्लैंड। अब बस यही है भाई कि इंडिया की बैटिंग शुरू होगी, 11 ओवर इंडिया ने बैटिंग करनी है भाई। पांडे जी ये है कि आज विकेट नहीं देनी आपने, रोहित शर्मा आएंगे बैटिंग करने, 11 ओवर में आप आओ यहाँ पे, आज के दिन में जितने भी ओवर आपको खेलने को मिलते हैं यहाँ पे आप विकेट मत दो, 30 रन बने 40 रन बने नो मैटर जितने रन बने, लेकिन अब तो आपको मैच जिता के दे दिया ना यशस्वी जायसवाल ने, बुमराह ने, अब तो ढंग से खेल लो और अब तो डोमिनेट करना चाहिए आपको, आपको ऑलरेडी 143 रन का लीड मिल गया है, आप तेज खेल लो, क्या दिक्कत है, आप 150-200-250 बना लो, 250 भी आपने बना लिया, 250 आपके बैटर्स ने मिल मिलाकर बना लिया, 394 का टारगेट या 400 के करीब का टारगेट आसान नहीं होगा किसी भी दिन। चलिए वन स्टेप एट अ टाइम, पहला पड़ाव ये है कि आज जब बैटिंग करने आए तो कोई विकेट ना दें, कोशिश करें, ये नहीं है कि रन बहुत ज्यादा हमें चाहिए या 4 रन प्रति ओवर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पॉजिटिव खेलें और कोशिश करें कि विकेट ना दे। 11 ओवर में विकेट दे दोगे तो फिर तो क्या ही होगा ना आपका, फिर इंग्लैंड को लगेगा नहीं भाई हम मैच में वापस आ सकते हैं। देखो वो किसी भी टाइम पे ये सोचते नहीं है कि वो मैच हार जाएंगे, दिन अभी भी बहुत पड़े हैं इस टेस्ट मैच में, 3 पूरे दिन पड़े हुए हैं और पिच इतनी डिटेरियोरेट नहीं हुई है अभी, बाद में हो जाए चौथे पांचवें दिन पे तो अलग बात है। अभी आप देखेंगे कि ये लोग आएंगे बैटिंग करने, अब लेट से इन्होंने बैटिंग करी, कल का पूरा दिन भी बैटिंग कर ली और आपने टारगेट दिया इंग्लैंड को, फिर भी 2 दिन पड़े होंगे इनके पास, 2 पूरे दिन पड़े होंगे टारगेट चेस करने के लिए, तो टारगेट आप किसी भी चीज को ना लाइटली नहीं ले सकते इंग्लैंड की। हालांकि आप ये मैच जीत चुके लक्षित जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमाइज करिए
इनको 400 रन के आसपास का टारगेट दीजिए और आज जो 11 ओवर आपने बैटिंग करनी है उसमें विकेट कोई ना दीजिएगा। और जो पहली बात ये थी कि आप जो मैंने शुरू में बोला कि आप पहले टेस्ट मैच की हार के बाद सोच रहे थे क्योंकि हम बैटिंग ऑब्सेस्ड कंट्री है भाई, सबको बैटर्स ही पसंद है, बॉलर्स की तो कोई बात करता नहीं, चाहे जितना मर्जी अनसंग हीरो हो आपके लिए जसप्रीत बुमराह उसकी तो कोई बात करता नहीं कि भाई सेकंड मैच में रोहित शर्मा इतने रन मार देंगे, श्रेयस अय्यर करवा देगा वापसी, श्रेयस अय्यर का तो खैर बात तो सही है नहीं बोला किसी ने, लेकिन शुभमन गिल ड्यू है रन के लिए, है ना। यशस्वी जायसवाल 22 साल का लड़का आके 200 मारता है, आपकी इज्जत बचाता है, लिटरली इज्जत बचाता है। दोनों टीम में डिफरेंस क्या है बैटिंग में, ये यशस्वी जायसवाल किसी से बैटिंग नहीं हुई यहाँ पे, सिवाय जायसवाल के 209 बना दिए, ये 253 पे हुए 209 तो वो अकेला बना गया, तो यही मेन डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह ने आउट किया है ना, उड़ा के रख दिया, प्लस कुलदीप यादव, लेकिन स्पेसिफिकली जसप्रीत बुमराह फिटनेस का थोड़ा डामाडोल रहा है पिछले एक दो साल में, बड़े मैचेस मिस किए हैं, टूर्नामेंट्स भी मिस कर गए, WTC मिस कर गए, फाइनल वर्ल्ड T20 मिस कर गए, वर्ल्ड कप मिस कर गए, T20 वर्ल्ड कप, वहां पे भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ गया बुमराह की वजह से, लेकिन जब जब अवेलेबल होते हैं तो फिर इनसे बड़ा बॉलर कोई दुनिया में है भी नहीं। ऐसे फ्लैट ट्रैक पे 50 ओवर पुरानी बॉल के साथ बेन स्टोक्स को जिस मोमेंट में इन्होंने बोल्ड मारा है वहां पे आप मैच जीत गए, बिकॉज अगर वहां पे बेन स्टोक्स की विकेट ना आती और बेन स्टोक्स लंबा खेल जाता, वो जब यही लीड काट गए, बेन स्टोक्स देखो 172 फॉर 6 पे आउट हुआ था, या एक सेकंड चेंज कर दो, इंडिया लीड बाय 143, इंडिया लीड बाय 143 है, तो बेन स्टोक्स एक ही बात है वैसे, इंग्लैंड ट्रेल बाय 143 हो गया ना। अब अगर बेन स्टोक्स वहां पे आउट हुआ है, ये सही है 172 फॉर 6 पे बेन स्टोक्स आउट हो गया था, नहीं 229 for 8 के बावजूद, बेन स्टोक्स के आउट होने के बावजूद ये 24 रन बना गए एक्स्ट्रा, है ना, और उसके साथ सारे आउट होते रहते हो रहे थे, तो ये तो 300-350 तक खींच जाता अगर ये आउट ना होता, तो बहुत बड़ी विकेट बेन स्टोक्स की थी, जो रूट की बहुत बड़ी विकेट थी, और डबल सेंचुरियन ऑलमोस्ट 196 ओली पोप बना के आया था उसकी भी, तो आउटस्टैंडिंग बुमराह यार, दिल जीत लिया। दो चीजें आ गए भाई यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, दुनिया बात कर रही थी बैस बॉल की, लेकिन आपका जस बॉल जैस बॉल दोनों चले, जायसवाल और आपका बुमराह बॉल दोनों चले, दोनों ने बहुत अच्छा किया, बट एक ना बहुत बड़ा रिकॉर्ड और बनने वाला है, यशस्वी जायसवाल विल बी, इफ अगर हो पाया ऐसा, यशस्वी जायसवाल विल बी द सिंगल, विल बी द यंगेस्ट बैटर टू बैट ऑन ऑल डे ऑफ टेस्ट मैचेस, पहले दिन भी की, दूसरे पे भी कर ली, आज तीसरे पे भी कर ली, अगर कल चौथे पे कर लेते हैं, और कल इंग्लैंड अगर कल इंग्लैंड ऑल आउट हो गया कहीं, जिस तरह से बॉल टर्न कर रहा है, वो रिकॉर्ड बन सकता है। आज तीसरा दिन है, तीनों दिन किए उन्होंने अभी तक, मैंने मिस कैलकुलेट कर दिया, अभी दो दिन पड़े हैं, तो ठीक है फिर तो दो ही दिन पड़े हैं, फिर तो रिजल्ट आना ही चाहिए, नहीं आज दूसरा है भाई, तो यार तो ये बोल रहा है पहले दिन करी, दूसरे दिन करी, तीसरे दिन करेगा, अरे कल पूरे दिन करेगा, फिर चौथे दिन भी करेगा, पागल है वो, नहीं कल का शुरू में तो करेगा, हाँ तो तीन दिन ना, चौथे दिन तो नहीं करेगा यार, क्या इंसान है भाई, वही तो बोल रहा हूँ, दो दिन हुए, अगर ये आज करेगा और कल करेगा तो तीन दिन, मैं कह रहा हूँ कि जायसवाल आपने बोला कि पांचों दिन ऑल डेज अच्छा जितना दिन टेस्ट मैच चला है, तो कल मैच खत्म हो गया तब अलग अलग बात है, आप चौथे दिन तक पहुंचा रहे थे, तो मैंने बोला कि चौथे दिन बैटिंग, इंग्लैंड ने आज बैटिंग की है, इंडिया ने भी देखते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, अभी पहले भाई फर्स्ट टारगेट है ये 11 ओवर, इसमें विकेट नहीं देनी, और रोहित शर्मा स्पेसिफिकली, रोहित शर्मा के अभी तक रन नहीं आए, अब तो भाई रन बना लो, अब तो बच्चों ने तुम्हें मैच जिता के दे दिया, यशस्वी जायसवाल ने और बुमराह ने, अब आउट नहीं होना, रन जाए भाड़ में, आउट नहीं होना, जेम्स एंडरसन, एंडरसन आ गए जी पहले ओवर लेकर, बाकी कितने आज 11 भाई, 11 हो जाएंगे पूरे, 20 मिनट का खेल, 11 ओवर, 5 ओवर ही होंगे, 5 6 ओवर, 5 बजे तक चलेगा ना मैक्सिमम, 4 ओवर, 4 से 5, 4 से 5, चलो देखते हैं, 5 मिनट का एक ओवर है, एंडरसन तकरीबन 6 मिनट लेता है एक ओवर डालने में, नंबर रन अपन, चलो जी जायसवाल और रोहित, और जायसवाल यही, एंडरसन को तो बच के ही खेलना है, पहली इनिंग में भी जायसवाल को एंडरसन ही आउट कर पाए, बाकी तो किसी के बस की थी नहीं, और साथ में है रोहित शर्मा, देखते हैं आराम से सर्वाइव ही करना होगा, 4-5 ओवर का खेल है बस आज के दिन में जो होगा, nice. तथास्तु जायसवाल वर्सेस एंडरसन, एंडरसन उसने बहुत रेस्पेक्ट देकर खेला था, बस ठीक है ऐसे ही खेलना चाहिए, विकेट नहीं खोनी आपको यार, अभी यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, आपके पास अभी तकरीबन 143 रन की लीड है, जो होनी तकरीबन 175 80 की चाहिए थी मेरे हिसाब से, चलो कोई बात नहीं, आपने 50 रन एक्स्ट्रा दे दिए, आपने दिया, आपकी आदत है, आप हमेशा ही ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हो, पहले भी रन में भी आपने सिर्फ 15 एक्स्ट्रा बनाए, अब थोड़े बहुत रन आप एक्स्ट्रा देते हो, 230 जो 170 से होना चाहिए था वो भी 50 रन ज़्यादा हुआ था पहले टेस्ट मैच में, बट नो वरीज, आप यहाँ से तकरीबन आप 300 रन बनाओ आज और कल बैटिंग करके,
450 रनों का विशाल लक्ष्य दे दो फिर खत्म कर दो। हाँ बिकॉज कल पिच और डिटोरिएट होगी, जब तक इंग्लैंड बैटिंग करेगा तो भाई काम ही तमाम हो जाएगा। भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्पोर्ट चैनल को, अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर लेकिन कर लीजिएगा, हम तकरीबन 500 से भी कम सब्सक्राइबर रह गए हैं 8 लाख का परिवार होने से, 799,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 8 लाख हो जाएंगे इसी वीडियो में, अभी तकरीबन 3,000 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, तो इसी लाइव में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम उस मैजिकल फिगर पर पहुंच जाए। AU बोल रहे हैं ये मुकेश कुमार को इंडिया टीम में चांस कैसे मिला, हिज बॉल डज नॉट इवन रीच द कीपर। भाई उसको चांस मिला क्योंकि बुरा नहीं है वो रेड बॉल, स्टिक में लगातार परफॉर्मेंस किया, विकेट्स निकाले, 2 रन का आईएस विकेट टेकर था बंगाल के लिए। देखिए जरा आ गए जेम्स एंडरसन वर्सेस रोहित शर्मा, यहाँ पे दिल की धड़कनें तेज होते हुए कि आज रोहित का क्या होगा, अब तो प्रेशर भी आज ढंग से खेल लें यार। सिंगराटी बोल रहे हैं टेस्ट बोलिंग ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बुमराह इज द ग्रेटेस्ट बोलर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, पेस और स्पिन All format, situation, conditions, impact. दिखा दिया ना impact. हिला डाला ना सिंगुलैरिटी आज तो. लेकिन इनको पहले कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज इसका कोई भरोसा नहीं है इसकी टीम का, कुछ भी कर सकते हैं। पिछली बार भी तो यार 100 आज तो फिर भी 143 की लीड है ना, पिछली बार 190 की लीड थी और हार गए थे, 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाओगे यार। पिछली बार इतनी गंदी पिच पे जहां पे 4.23 डिग्री की टर्न थी वहां पे 190 रन की लीड लेके तुम हार गए। आपके बैटर्स क्या 100 के अंदर डिपट जाएंगे 150, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक जीतेंगे नहीं तब तक सेलिब्रेट नहीं करना इस बार, पहले जीतने दो। एंडरसन वर्सेस रोहित शर्मा देखते हैं, शॉट यही मिसिंग था, यही इंटेंट पहले नहीं था, प्ले का पहले टेस्ट मैच पहले दिन बने, पहली इनिंग में थोड़े से जान में जान कल मिसिंग था वो आज आ गया। नहीं पहले इन्होंने देखा होगा ना यार, मैं जबरदस्ती एक चौका नहीं मारा था पिछली बार, 41 बॉल्स खेल गए थे, आज दो बॉल खेल के एंडरसन जैसे बॉलर को चौका मार दिया, अब जान आ गई ना यार, मैं वही तो बोल रहा हूं, अब तो यशस्वी जायसवाल बुमराह ने मैच जिता के दे दिया, अब तो ढंग से खेल लो। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा सा घबराया हुआ हूं कि जब तक इनके रन आते नहीं है तो आज आ जाना चाहिए, ठीक ठाक 50-60 भी आ गया तो ठीक है, इतने रन बने हुए असली चिंता तो इसकी असली टेंशन है जॉनी बेस्टर की, जॉनी पंजाब किंग्स यार पंजाब किंग्स, सैम करन लियाम लिविंगस्टन कितना अच्छा कर रहे हैं पांडे, क्या कर रहे हैं अच्छा सैम करन, उनकी टीम अभी भी नीचे, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो सैम करन की अच्छी हुई है ना यार। लियाम लिविंगस्टन कितना, लियाम लिविंगस्टन ने कौन सा मैच जिता दिया, नहीं है भाई जॉनी, एक मैच नहीं जिताया उसने अपनी टीम को अभी तक, जॉनी बेस्टो के बस की ना है, ये पागल हो रहा लियाम लिविंगस्टन ने। चलिए आराम से ये 4-5 ओवर देखते हैं, 5 बजे तक का खेल होगा, तो पहले ओवर में रोहित शर्मा ने चौका लगाया, थोड़ी जान में जान आई है कि थोड़ा सा टच तो वापस नजर आ रहा है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। अब बॉल कौन कराएगा साथ में, बशीर कराना तो उसी को चाहिए, बशीर ने अच्छी बॉल कराई थी ना पहले इनिंग में भी उसको जायसवाल को भी, बशीर आ गया, शोएब बशीर, रोहित गॉड भी कर चुका है इस बार, रोहित इसको स्टेप आउट करके छक्के मारेगा मुझे लग रहा है। क्या लगता है आपको, लगाना चाहिए, शोएब बशीर ने बड़ी तारीफ करी थी, कह रहा था यार रोहित शर्मा सच अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैंने उनको आउट कर दिया। आप दोनों को कल बैटिंग करने आनी है, आप नॉट आउट हो गए थे, कल से आगे नया स्टार्ट करेंगे, हमें खुद विश्वास नहीं हुआ यहाँ पे जब आउट जब आउट हो गए थे शोएब बशीर पे, उसको क्या हाथ होगा। ओहो बॉलिंग अच्छी बॉल बच गया, बहुत लेट कट किया था और ऑलमोस्ट बोल्ड ही हो गया था। इंडिया को कम से कम कितने का टारगेट आप यहाँ से देख रहे हो, 150 रन तो है, 400 रन का तो देना चाहिए ना, 250 रन तो बनाओगे कल अगर दो सेशन भी खेलोगे, 200 तो वैसे ही बन जाएंगे, 350 तो यही हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, यशस्वी जायसवाल बिल्कुल वॉचफुल, जायसवाल आज बैटिंग करके गया है फिर बैटिंग करने आ गया, एंडरसन बॉलिंग करके गया था फिर बॉलिंग करके आ गया, कितने ओवर खेले इन्होंने, 50-55 ओवर खेले बस, देखते हैं। ठीक है सही है कोई नहीं, कम ऑन यशस्वी वा मारो ये बशीर वा को, 4 गेंदे 4 डॉट बॉल, और फिर से दरख्वास्त आपसे ये कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
स्पोर्ट्स चेरी को सिंगुलैरिटी इन सैटरडेज वी लेट इंडिया प्ले ऑन संडे वी रीपे. अच्छा जी लास्ट डे लास्ट डे पिछले मैच में पिछले मैच सैटरडे संडे ही था बर्बाद हो गए थे ना संडे को. अच्छा सैटरडे वो वाली बॉल ने मार दिया था 126 रन की लीड हो गई थी. सैटरडे हमारा था कि हम आगे थे बात कर रहे थे कि अब टेस्ट मैच जीत गए एक इनिंग से. सैटरडे को लेटर मैच ही कुछ चल ही ना मजाक चल रहा है. रोहित शर्मा लास्ट बॉल फेस करेंगे बशीर की. पहली इनिंग में बशीर ने आउट करा था लेकिन इस टाइम मुझे लगा है बशीर का बशीरन बना के थोड़ा मारेंगे. क्या लग रहा है आपको थोड़ा? और देखो सेम फील्ड रखी हुई है एग्जैक्टली पीछे वही लेग स्लिप फाइन करके रखी हुई है और एक स्लिप भी रखी हुई है. माइंड गेम्स इसको बोला जाता है. इस बार नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा. होना नहीं चाहिए वैसे. इस बार अब तो रोहित का रन आएंगे यार. अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? तो टीम ने भी अच्छा कर दिया. जायसवाल ने अच्छा कर दिया. बुमराह ने अच्छा किया. कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग करा दी. बशीरन ओए होए गुड शॉट चौका. पहले ही बॉल अब ये देखो पिछले मैच पिछली इनिंग में 41 बॉल्स खेल के 14 रन बनाए थे शेल में. आज मतलब तीन चार बॉले खेली है दो चौके मार दिए. ये है ना ये बच्चे बशीरन बशीरन थोड़ी आउट करेंगे यार. अब रोहित और जान आ गई ना. देखो वही था पहले जो था घबरा के खेल रहे थे आप. यशस्वी जायसवाल ने 200 मारा. बुमराह ने 6 विकेट ली. जान आ गई. ये आपसे एक्सपेक्टेड है पहले. कोई बात नहीं चलिए अभी भी आराम से खेले विकेट ना दें. अभी जिमी एंडरसन का भी बात नहीं बाद में. जिमी एंडरसन का जो ओवर है वो थोड़ा फॉर्म में आना जरूरी है देख के खेलने वाला है. बस ये टेस्ट मैच 150 पार हो गई लीड 143 की लीड हो गई है. 10 विदाउट लॉस 2 ओवर में इंडिया वेरी गुड. इसके बाद भी 3 टेस्ट मैचेस खेलने फॉर्म में आ जाए तो बेटर है. हां बिल्कुल क्यों नहीं. ये टेस्ट मैच जीतेंगे उसके बाद सीरीज तो लाइव है. वन ऑल ही होगा ना अगर जीतेंगे भी तो. वन ऑल होगा. लक्ष्य तो पहले ही बोल चुके हैं 3-2 इंग्लैंड रोहित वर्सेस एंडरसन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट. दिल की गहराइयों में ये देखिए ओवर पिच डिलीवरी और कितनी आराम से चौका मिला. दो अच्छे चौके आ गए. एक तो एंडरसन को मारा था ना चौका. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल. हार्टले भी कुछ नहीं कर पाया. हार्टले क्या कर लेगा? डाइव किया उसने. अरे करता रहे डाइव. मिट्टियों पे डाइव कराएंगे इससे. मिट्टियों पे नीचे ईंटें बिछा के ना उस पे डाइव कराएंगे. चलो जी बहुत हो गया हार्टली वार्टली. सात विकेट लेके ऐसे की तैसी. अब तो ये मैच तो जीता पड़ा है यार. ये मैच थोड़ी ना निकलने देंगे. 154 रन की लीड हो गई है. एंडरसन वर्सेस रोहित शर्मा. एंडरसन वर्सेस कोहली भी देखने मजा आएगा. यार ये बताओ टीम आएगी कब? अब कोहली वगैरह का पता चलेगा कब से आ रहे हैं वो? अभी तो जब बीसीसीआई का मन करेगा जब कल किसी दिन एक दो दिन में रात को लगा 10 बजे मुझे लगता है टेस्ट मैच खत्म होने के बाद ही आएगा. करते अनाउंस हो जाएगा. टेस्ट मैच खत्म होगा. हां टेस्ट मैच खत्म होने तक मंडे या ट्यूसडे. अभी एंडरसन की 4 गेंदें पड़ी हैं. इसके ओवर सी ऑफ करो. ये एक्सपीरियंस्ड आदमी है ये दिक्कत दे सकता है. 41 ईयर ओल्ड जेम्स एंडरसन बोलिंग टू 36 ईयर ओल्ड रोहित शर्मा 35-36 नाइस ठीक है लेकिन बढ़िया खेली. रोहित कंट्रोल में लग रहे हैं कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं. क्या है क्या है क्या प्रॉब्लम है पता? एक बार उन्होंने बोला था कॉन्फिडेंट लग रहा है. कोई लपेटने की बात नहीं. नहीं वो लपेटने वाली बात नहीं बोली है ना. नहीं आईपीएल में बोला था एक बार. अच्छा वो तो विराट के आने से पहले बोला था. तो वो ये बोलते हैं ना कि आप रोहित लपेटेंगे. एंडरसन को तो नहीं लपेटना चाहिए. नहीं आराम से खेलो. मेरिट ऑफ द बॉल पे खेलो. आपने पिछले ओवर में चौका तो मारा था ना. थोड़ी सी बाहर बॉल मिली थी तो गुड. वेल प्लेड एक्सीलेंट डिफेंस. बढ़िया रोहित. कम ऑन रोहित वाह मार भाई. एंडरसन ने कहा सही बोला मैं. कम ऑन रोहित वाह मारबो एंडरसन वाके. हां मारबो एंडरसन वाके. देखा भोजपुरी 101 कुछ तो पांडे अच्छा. अब देखते हैं बोलबो कि नहीं बोलबो. और बोलबो बुमराह भी खुश नजर आ रहे हैं 6 विकेट लेके. राहुल द्रविड़ भी बड़े खुश हैं. शुक्र है कि बुमराह ने मैच जिता दिया यार. बढ़िया बढ़िया ठीक है
चार डॉट बॉल रोहित ने बिल्कुल वॉचफुली खेला एंडरसन को, और अब एंडरसन कुछ पंगा लेंगे तो मुझे लग रहा है रोहित चौका मार सकते हैं आराम से। इनको देखिए जरा, ये देख रहा हूँ कितने ओवर हैं इसके, 8 मिनट का गेम है, एक और ओवर होगा बस। एंडरसन के ओवर की लास्ट बॉल, वैसे तो 8 ओवर है पूरे दिन में लेकिन होना नहीं है, 8 मिनट बचे हैं आज के दिन में। ओह बॉलिंग, अच्छी बॉल भाई पांडे जी, थोड़ी सी अभी भी आग बाकी है एंडरसन वाले। एंडरसन तो कमाल, रोहित बा कमाल, लाजवाब, मजेदार, बीड़ी जलाईले जिगर से पिया, ओए होए, बीड़ी जलाईले जिगर से पिया, जिगरवा बड़ी आग है जिगरमा, किचन में मक्की की रोटी के साथ साग है खाएं आप, खा सकते हैं मक्की की रोटी, गुड़ भी है, गुड़ तो आपने खा लिया था ना पूरा, इतना बड़ा पीस गुड़ का खा गए आप अकेले, गुड़ के साथ खाएं आप, चने खाएं आप। बशीरन आगे, मतलब बशीर आ गए वापस, ओहो बच गया बशीरन आगे नाइस। राहुल द्रविड़ और बुमराह कितने रिलैक्स लग रहे हैं देखो, टेंशन फ्री है, बुमराह ने काम करके दे दिया ना, क्या बुमराह ने काम करके दे दिया, जब स्टोक रन मार रहा था ना राहुल द्रविड़ का चेहरा था उस टाइम पे ऐसा डरा हुआ लग रहा था कि कहीं फिर से पार्टनरशिप ना हो जाए। हाँ उस टाइम पे मेरे को भी लग रहा था कि स्टोक्स कुछ करना दे, और शुक्र है बुमराह ने बोल्ड मार दिया, बुमराह वरना टेंशन हो जाती। ओए होए स्टोक्स के लिए तो ऐसा लग रहा है सीरीज में कि बुमराह आउट ऑफ द सिलेबस, दो बार बोल्ड मार दिया और हर बार उसका ये रिएक्शन होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। टाइमिंग में चेंज हुआ है, इंडिया के मैचेस वर्ल्ड कप में जो 8:30 बजे होने थे उनके आधा घंटा पहले कर दिया गया है, 8 बजे पहले 8:30 था, अच्छा मतलब 8 बजे कर दिया गया, कीपिंग इन माइंड इंडियन ऑडियंस का एक्टिव टाइम, तो 8 बजे अब से मैच शुरू होगा, तकरीबन 11:30-11 तक चलेगा भाई, जो नॉर्मल वेस्ट इंडीज में मैचेस होते हैं मतलब दिन के वहाँ पे, वैसे तो वहाँ नाइट, चल भाई मार इसको, वहाँ नाइट में अगर हो तो यहाँ सुबह 4 बजे शुरू होते, शॉट चार, देखा बोला मैंने मार इसको चौका मार दिया उसने, गुड जैसा बात हमेशा सुनते हैं, आज्ञाकारी प्लेयर से आप, वो है ना ट्रांसमीटर वहाँ पे सेट है, आज्ञाकारी है। नाइस, स्टोक्स की हालत खराब हो गई है वैसे, अब हालत खराब, अब इनकी हालत खराब हो गई, इनको पता इनके पास बॉलर ही नहीं है, अगर एंडरसन विकेट नहीं लेता कौन लेगा विकेट, रोहित भी नहीं देगा अगर विकेट तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी, रोहित तो बल्कि और मारेगा। बशीर इनके पास वही चांस था कि जायसवाल को पहले इनिंग में आउट कर लेते, नहीं हुआ इनसे, और रन भी नहीं बना पाए, अब तो खत्म इनका मामला। ओए होए गुड कट चौका यार, चार भाई, दो जायसवाल तो अलग लेवल पे ही खेल रहा है, अलग लेवल पे ही खेल रहा है आदमी भाई साहब, बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर जायसवाल। अच्छा बुमराह को जब 16 रन पड़ गए थे ओवर में, नहीं है तब लग रहा था कि शायद काम तमाम ना हो जाए, 16 रन पड़ गए थे बुमराह को, लगा कि बुमराह अभी क्रॉली ने मारे थे ना, क्रॉली ने, जैसे अश्विन को एक तरफ से पड़ रहा था दूसरी तरफ से बुमराह को, ऐसा लगा कि दोनों ही आपके सीनियर प्लेयर का आज कहीं बुरा दिन ना हो जाए, वो बड़ा मनहूस हो गया था मैंने बोल दिया था। बढ़िया बढ़िया चौका जी, बढ़िया चौका, यशस्वी जायसवाल 11 रन बना के खेल रहे हैं, बशीर जी की लास्ट बॉल, बशीर का बशीरन बशीरा बन चुका है, फिर अच्छी शॉट, वो तो फिर चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज, यहाँ पर 3 चौके लगातार, हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज, अ फ्लरी ऑफ बाउंड्रीज, एंड टोटली इन कमांड एंड टोटली इन कंट्रोल इंडिया, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अभी मैच लेके हाथ में भागते हुए जा रही है, और इंग्लैंड सिवाय तालियां बजाने के कुछ कर नहीं पा रही। लेजेंडरी कोहली बोल रहे हैं बुमराह तो बेबी बॉलर है, हमारी क्रिकेट में बुमराह जैसे बॉलर गली गली में मिलते हैं, बुमराह तो शाहीन के सामने कुछ नहीं है, बुमराह ये बुमराह वो, भागता हुआ स्पिनर है। हाँ भाई भागता हुआ स्पिनर, आज पता है ना भागता हुआ स्पिनर कौन बन गया है आज के टाइम में, कौन बन गया है, शाहीन भाई, भागता हुआ स्पिनर बन ही गया था वो, थोड़ी सी पेस वापस आई है, अब आई है वर्ल्ड कप में, उसके बाद फिर रेहान अहमद को ले आया भाई, वो ये क्या किया इसने,
जेम्स एंडरसन से कराना चाहिए था, गलती करी इसने यार। एक ओवर पड़ा है। शान अहमद ये जिगली विगली, जिगली ये क्या रोहित की, रोहित की ईगो चैलेंज करने के लिए लाया है? जिगली विगली ने पिछली इनिंग्स में 3 विकेट ली थी। अबे यार ये रोहित की ईगो चैलेंज करने के लिए रेहान अहमद को लाया है, बट मुझे लगता है जेम्स एंडरसन को ही लगाना चाहिए था। और रोहित यहाँ पे पूरा टेम्प्टेड होगा कि भाई निकल के इसको छक्का दूं, और इसीलिए चलाक लोमड़ी बेन स्टोक्स इसको लगाया भी है। लेकिन मुझे लगता है ये दाव उल्टा पड़ेगा लक्षित जी, और यहाँ पे ठुकाई होगी रहान को, ठुकाई भी हो सकती है, डिफेंड भी कर सकता है। रोहित शेल में खेलेगा आराम से, शेल में कहाँ खेल रहा है आज तो, मतलब अब ये ओवर को लोगे गलती करोगे चौका जाने दिया, जाने दो दो स्पिनर लग, वो दो अगर यहाँ पे दो चौके नहीं आए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ रोहित शर्मा विकेट दे गया, बेन स्टोक्स को जवाब देने की कोशिश करती, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ईगो तो चैलेंज करी है ना रेहान ने, ना करो ना, पेशेंस ऐसे। गुड टैसी ब्रोसेफ बोल रहे हैं पांडे कोबरा टू विराट कोहली, हमें रोहित शर्मा मिल गया तो तुम में वो बात नहीं है, हमने मीडियोक्रिटी को पा लिया, एक्सीलेंस की अब तलाश नहीं है, हमें आईपीएल ट्रॉफी दिला दो, वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हमें रास नहीं है। चौका मार दिया जैसे मैंने प्रेडिक्ट करा था रोहित शर्मा मारेंगे, क्योंकि इसकी बॉलिंग इतनी गंदी है कि चौके से पड़ेंगे पड़ेंगे। रोहित शर्मा 3 चौके मार चुके हैं छोटी सी इनिंग में, और टैसी ब्रोसेफ ने आप पे हमला कर दिया। थैंक यू टैसी भाई, आप पे हमला कर दिया, हमला कर दिया क्या, वो शायरी बड़ी अच्छी लिखी है उसके लिए, पहले तो आपके मुंह पे कालिक पोती है उन्होंने, शायरी बहुत अच्छी लगी आपको, जूतों का हार उन्होंने शायरी के थ्रू पहनाया है, पहना दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहनाया बहुत अच्छा आपने, शायरी बहुत अच्छी लिखी है उसके लिए बहुत। 3 गेंदे जिगली विगली की चौका भी खा चुके हैं जिगली, आउट ओए होए आराम से, बहुत ही बढ़िया जिगली, 2 बोला आराम से खेला, विकेट ना गिफ्ट करके जाना उसको, आउट ऑफ द पार्क अगर आप देखेंगे अभी तो मारेंगे रोहित शर्मा, लेकिन सिंगल ले लिया यार ये गलत था, उसको ना रख के छक्का मारना चाहिए था स्टेडियम के बाहर, पूरा नेस्ता नाबूद कर दिया बेन स्टोक्स को, इतना नाबूद क्या है, ठीक है यशस्वी जायसवाल आ गए, 13 बॉलों पे 13, 15 बॉलों पे 15, और क्या चाहिए आप, 100 की स्ट्राइक रेट, इजी इजी मनी, इजी 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 मनी चल रहा है जी यहां पर, आराम से देख रहे हैं, इजी पी टैसी ब्रोसेफ ने जो आपको इजीली धोया है उसके बारे में क्या बोलेंगे, जवाब मिलेगा आपको आईपीएल में, इस बात का जवाब है इन द सेंस की आईपीएल रोहित से, रोहित से जवाब मिलेगा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी मिलेगा आपको जवाब, गुड टेंशन ना ले, वेरी गुड, हमने यशस्वी जायसवाल वर्सेस रोली पोली, हमने कभी भी मीडियोक्रिटी को बैक नहीं किया है। लास्ट बॉल ऑफ टुडे मेरे ख्याल से आज की लास्ट बॉल होगी, एक और ओवर बचा हुआ है, लास्ट ही होगा, क्या लोकल टाइम बन गया है, 4:59 तो हो गए, 5 बज गए, बाकी बाहर की मर्जी अब, कर दो स्टंप्स कल 4 ओवर, बट बड़ा मजेदार दिन हुआ है वैसे आज, आज इंडिया के लिए, इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है आज।